हेलो फ्रेंड्स, आप जरा इस क्लिप को देखिए। कैसे किया इसने, और अब इस क्लिप को देखिए। भाई लोग, क्या हुआ, रह गया ना मुंह खुला खुला। हमारी लाइफ में हम रोज ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं जो कि देखने में लगता है कि ये 2020 की नहीं बल्कि फ्यूचर में 100-200 साल बाद की फिल्में हैं। इसमें दिखाए गए सीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे मूवीज देखते देखते रोंगटे खड़े कर देते हैं। कैसे इतना बड़ा एलियन या फिर कह लो मशीन उड़ती उड़ती आती है और फिर हमारे एवेंजर्स के सुपर हीरोज उससे कैसे फाइट करते हैं। फ्रेंड्स, आप एंड गेम मूवी के इस सीन को देखिए, कैसे ये लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और ये सीन कितना धांसू लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सीन को एक हॉल में ग्रीन स्क्रीन के बदौलत ही शूट किया गया था। फ्रेंड्स, आप जितनी भी फिल्में देखते हैं जिसमें ऐसे खतरनाक और हमारे दिमाग को चकरा देने वाले सीन्स दिखाए जाते हैं, जिन सीन्स को देखने के बाद हमें मूवीज में बहुत मजा आता है, ये सभी केवल और केवल VFX और CGI पर ही टिके हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि VFX और CGI क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि VFX यानी विजुअल इफेक्ट, इसका यूज फिल्म के सीन्स को कंप्यूटर से एडिट करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, CGI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से कोई भी चीज को कंप्यूटर से बनाया जा सकता है। जैसा आप इस सीन में देखिए, कैप्टन अमेरिका, थोर, आयरन मैन और बाकी के लोग कैसे जा रहे हैं। आपने गौर किया कि इनके सूट पर ये डॉट डॉट कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक CGI सूट है जो कि इन्होंने पहन रखा है, जिसकी वजह से ये हमें फिल्म में कुछ ऐसा सूट पहने हुए दिखाए गए थे। फ्रेंड्स, हल्क जो कि एवेंजर सीरीज की जान है और जिसकी अपनी अलग ही एक पहचान है, फ्रेंड्स हल्क जिसका रोल मार्क राफेलो ने किया था, उन्होंने भी CGI सूट ही पहना था। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा जान लेते हैं VFX और CGI के इतिहास को। दोस्तों, आज आप जितने भी मूवीज देखते हैं जिसमें VFX का यूज किया जाता है, वो केवल और केवल इनकी बदौलत है। ये जॉर्ज माइल्स हैं जिन्हें विजुअल इफेक्ट का फादर भी कहा जाता है। VFX का इस्तेमाल कोई 10-20 साल पहले से नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में जब से हो रहा है, जब से फिल्में बनना शुरू हुई थी। पहले के समय में भी विजुअल इफेक्ट का यूज किया जाता था, जैसे किसी चीज को बड़ा दिखाना हो तो VFX का यूज करते थे। फ्रेंड्स, फिल्म मेकिंग के शुरुआती दौर में फिल्म मेकर्स कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे जिससे स्क्रीन पर एक मैजिक क्रिएट हो सके। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते पहली फिल्म द ट्रिप टू द मून आई, जो कि पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें VFX का यूज किया गया था, जिसमें ये लोग डबल एक्सपोजर टेक्निक का यूज करके फिल्म में एक मैजिक सा क्रिएट कर देते थे। डबल एक्सपोजर टेक्निक में दो शूट को मिक्स करके एक शूट बनाते थे। फ्रेंड्स, उस टेक्निक को कई फिल्मों में यूज किया जाता था। ये टेक्निक उस वक्त इतनी एक्सपेंसिव थी कि ऐसी फिल्म बनाते बनाते जॉर्ज माइल्स का तो पूरा पैसा ही खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा कई सालों तक चलता रहा। फिल्म इंडस्ट्री में इवोल्यूशन होते होते 1933 में फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था किंग कॉन्ग। इस फिल्म में लीड रोल में दिखाया गया बंदर कोई रियल नहीं बल्कि कैमरे की स्टॉप मोशन टेक्निक और कई स्पेशल इफेक्ट को यूज करके उसे बनाया गया था। और उसमें वो बंदर जो लड़की को ले जाता है, वो असली लड़की नहीं बल्कि एक डॉल थी।
फ्रेंड्स उस समय भी इसमें विजुअल इफेक्ट का काफी ज्यादा यूज किया गया था। इसमें दिखाए गए बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए गए थे। और फिर 2005 में किंग कोंग मूवी का एक नया वर्जन रिलीज हुआ, जिसमें भी लीड रोल में एक चिंपांजी को ही दिखाया गया है। लेकिन इन दोनों फिल्मों में कितना डिफरेंस है आप कंपेयर कर सकते हैं। VFX का इन 70 सालों में कितना इवोल्यूशन हुआ है आप ही देख लीजिए। इस फिल्म के लेटेस्ट वर्जन को बनाने में ज्यादातर CGI टेक्निक का ही यूज किया गया है। इसमें दिखाए गए ज्यादातर सीन्स को कंप्यूटर की मदद से ही क्रिएट किया गया था। फ्रेंड्स ऐसा ही चलता रहा, फिर इतने सालों बाद जाकर हम देख सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा इवोल्यूशन हुआ है, जो हमें मार्वल की फाइनल फ्रेंचाइजी दी एंड गेम में देखने को मिलता है। $500 मिलियन की इस फिल्म में ज्यादातर VFX और CGI टेक्नोलॉजी का ही यूज किया गया था, जो कि इसे दुनिया की रिकॉर्ड तोड़ मूवी भी बनाता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए इस फिल्म को बनाने में इतना खर्चा आया था। हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो बात हुई हॉलीवुड की फिल्मों की, लेकिन हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी VFX और CGI का कोई कम यूज नहीं होता। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बाहुबली में VFX का भर भर के यूज किया गया था। इस फिल्म में भल्लाल देव की लड़ाई से लेकर हर चीज केवल और केवल विजुअल इफेक्ट से ही बनाई गई थी। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो आपने ये सीन क्रिश 3 मूवी में देखा होगा। इस सीन को क्रिश 3 मूवी का सबसे बेस्ट सीन भी माना जाता है। इस सीन को बनाने वाले टेक्नीशियंस हेरी हिंगोरानी और केतन यादव ने 1 साल की मेहनत के बाद इस सीन को क्रिएट किया था। इसके लिए इन्होंने इसके 56 वर्जन बनाए थे, जिसके बाद ये सिलेक्ट किया गया। बॉलीवुड में कई फिल्मों में VFX का यूज किया जाता है, जैसे रावण, फ्रेंड्स अब तो बॉलीवुड के हर मूवीज में विजुअल इफेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन भाइयों क्या कभी आपने ये इमेजिन किया कि विदाउट VFX हमारे सुपर हीरोज की मूवी कैसी दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि अगर VFX टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ होती, और इतने कम समय में हमने इतनी अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है। तो आप सोचिए कि 50 से 100 साल बाद हमारी फिल्मों का लेवल कहाँ से कहाँ होगा। शायद उस टाइम तक किसी एक्टर की जरूरत ही ना पड़े, पूरी मूवीज कंप्यूटर की मदद से ही बना लें। सो फ्रेंड्स इस धांसू वीडियो का मैं यहीं पर दी एंड करता हूं। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो हमें कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवीज में सबसे ज्यादा VFX का यूज किया है जो हमने इस वीडियो में मिस कर दी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर कर देना। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो हमारे चैनल क्यूरियस राइट को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड्स आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूनिक और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग दिस चैनल। एज अ रिजल्ट यू ग्रोइंग। जय हिंद।